रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। दिस वॉज द टॉपिक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। एंड टूडे एज आई सेड अगेन वंस मोर आई विल टेल यू द वे टू डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी। हमने पता कर लिया था, एक बार और पता कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, ठीक है? सो नो प्रॉब्लम। देखिए, हमने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था। इसमें एक एरिया शीट ली थी हमने, एरिया लेंथ 16.2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 10.1 सेंटीमीटर है ना। एरिया हमें कैलकुलेट करना था। टू फाइंड आउट एरिया वी हैव टू डू एल इन टू बी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड इन मल्टीप्लाई इन अप्रोक्सीमेशन वी डील विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? There are three significant figures minimum in both the digits. There are three significant figures only. So remember the final answer. जो हमारा final answer होगा उसमें भी कितनी होनी चाहिए? तीन significant figure ही होनी चाहिए. So length we have written in terms of error. मैंने आपको बताया था last जो digit होती है uncertain होती है, और उतना ही digit के बाद हम decimal के बाद one लगा करके उसको errors के साथ उसको लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है? चलिए जी, ये चीज़ इसके बाद में आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देन वी फाउंड विद फॉर द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के लिए पता कर लिया था, लेंथ के लिए पता कर लिया था, एंड आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाइड देम टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट केम इन दिस वे एंड द परसेंटेज वी एडेड डायरेक्टली। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि परसेंटेज में हम क्यों कर रहे हैं। परसेंटेज में इसलिए करते हैं क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम। डायरेक्ट ऐड करने के बाद हम इस तरीके से पता कर लेंगे, कैसे? 1.6 अपॉन 100 इंटू 163.62, ऐसे करके हम पता कर लेंगे। एल बी कितना आ जाएगा? 164 प्लस माइनस 3 आ जाएगा। और देखिए ये रिजल्ट यहाँ पर कैसे आया। हमने कहा था कि हमारे आंसर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। 163.62, इट हैज़ फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी प्रेजेंट हेयर और विल कम अप टू हेयर। दैट मीन्स दिस वी हैव टू राउंड ऑफ। द लास्ट डिजिट यू कैन सी, सेकेंड लास्ट डिजिट यू कैन सी, इट इज़ मोर देन फाइव। दैट मीन्स वी कैन राइट इट इक्वल टू 164। These three digits we can write as 164. ये 164 आपने यहाँ लिख लिया। अब देखिए इसके बाद आपने errors में क्या लिख रहे थे? आप 0.1 लिख रहे थे, 0.1 लिख रहे थे, मतलब कितनी significant figure है यहाँ पर? 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ही significant figure होनी चाहिए। आया कितना था आपके पास answer? 2.6 आया था। Here we have two significant figures, but we want one only. That's why since this number is more than 5, so this 2 we will write as 3, इसीलिए यहाँ पर ये 3 आया। और इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर दी। इसके बाद क्या था बच्चों? इसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ और रूल्स भी दे रखे थे। आई रेड ऑल दीज थिंग्स एंड आई फाउंड दैट दीज थिंग्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन डिफरेंट टॉपिक्स, है ना? ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को पहले ही किसी न किसी टॉपिक्स में पढ़ा दी हैं, तो दोबारा से टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? डाइमेंशंस। डाइमेंशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है? ये आप लोगों को समझना चाहिए। डाइमेंशन जो है एक बहुत बड़ा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। डाइमेंशंस ही हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। अभी पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी इज डिस्क्राइब्ड बाई इट्स डाइमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी का नेचर आप उसकी डायमेंशन से डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी आएगा बाद में डायमेंशन होता क्या है। All the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combinations of seven fundamental base quantities. मतलब जितनी भी हमारे पास derived quantities रहती हैं या उनकी units रहती हैं, आप उनको fundamental quantities या कह दीजिए कि fundamental units के रूप में दर्शा सकते हो। Fundamental quantities हमारी ये साथ हुआ करती थी, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगा, आई होप, ठीक है? अब इसके बाद पहले इसे रफ करते हैं, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम आ गए इस तरह से जो डाइमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक लेंथ, लेंथ यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। मास लाइक दिस, टाइम लाइक दिस, इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ ए, टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ के,
luminous intensity with the help of CD, amount of substance with the help of mole. सभी को हमने क्या कर रखा है, ये ब्रैकेट के अंदर रख रखा है. अब आप ये गलती मत करना कि ब्रैकेट के अंदर हम यूनिट लिख देंगे तो वो उसकी डायमेंशन बन जाएगी, बिल्कुल गलत. लेंथ के लिए देखिए हमने क्या लिखा है, एल लिखा है. एल थोड़ी ना होती है यूनिट ऑफ लेंथ, है ना. यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम. तो दिस इज़ नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ. कहीं कहीं पर यूनिट भी आएगी, कहीं कहीं पर नहीं आएगी, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आएगा. तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीज़ें, ठीक है. हमें ये समझ में आया कि इस ब्रैकेट में लिखनी होती है डायमेंशन. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स. अब ये दे रखा है आपको कि डायमेंशन होती क्या है. डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. मतलब कोई क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो क्वांटिटीज यूज़ की हैं, है ना, किसी भी इसे ये क्वांटिटी जो लिखा है इसको समझ लो डिराइव्ड, है ना, कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपने यूज़ की हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर पावर्स आ जाती हैं. वो पावर्स ही क्या होती हैं, उन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है. उन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है. नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड अ क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी. मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया कहीं पर टाइम और ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप किस में डील कर रहे हो, आप डील कर रहे हो इन द डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन, और जो क्या होता है टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम. इन मैकेनिक्स ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एल एम एंड टी. मैकेनिक्स में जितनी भी डायमेंशंस हैं आप उन्हें किस में लिख सकते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आप उनको डायमेंशन के टर्म्स में लिख सकते हो. जैसे वॉल्यूम है, ये एग्जाम्पल लिया वॉल्यूम. वॉल्यूम फार्मूला विल बी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. ऑल दीज थ्री आर लेंथ, हमने पता है कि तीनों की तीनों लेंथ ही तो हैं. एंड द डायमेंशन फॉर लेंथ इज एल. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दैम टुगेदर यू गॉट एल टू द पावर थ्री. दैट मीन्स दिस थ्री, ये जो यहाँ पर थ्री आ रहा है, दिस थ्री ओनली इज द डायमेंशन. थ्री डायमेंशन इन लेंथ, किसमें है ये डायमेंशन, तीन तीन डायमेंशन लेंथ में है, जिसको हमने यूज किया वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए. भाई वॉल्यूम में तीन ही लेंथ होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट. इससे ये हमें पता चल गया, देखो किससे पता चल गया, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से. अब इसके बाद एज द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, इट इज़ सेट टू पजेस जीरो डायमेंशन इन मास एंड जीरो डायमेंशन इन टाइम. क्योंकि वॉल्यूम मास पर और टाइम पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ना तो m आया है और ना ही t आया है. अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर जीरो, t टू द पावर जीरो, ठीक. ओनली यू हैव थ्री डायमेंशंस इन लेंथ, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली फोर्स, अब देखिए फोर्स का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर. फोर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, आपने लिखा मास एंड एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ अपॉन टाइम. अब टाइम तो नीचे दो बार आ गया, यानी कि एल अपॉन टी स्क्वायर कह सकते हो आप, है ना, इसीलिए यहाँ लिखा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हमें इसको लिखना है, सीधी सी बात है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन क्या आई फोर्स की, एम एल और अपॉन में टी टू, कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस टू. ये इसमें देखो आपको डायमेंशन पता चलेंगे, क्या पता चलेगा, फोर्स हैज़ वन डायमेंशन. एक तो डायमेंशन किस में है, देखिए मास में है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यूनिट कितनी है, वन. वन डायमेंशन इन लेंथ, कोई यूनिट नहीं है, पावर नहीं है, मतलब पावर कितनी है, वन. एंड माइनस टू डायमेंशन इन टाइम. तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से ही हमें पता चल गया कि किस क्वांटिटी की कितनी डायमेंशन है, किस क्वांटिटी में कितनी डायमेंशन है, कितनी क्वांटिटी इसको यूज़ किया जा रहा है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. ये सब चीज़ें थी यहाँ पर. आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है डायमेंशंस, है
है ना। तो अब इसके बाद क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ये भी पढ़ते हैं। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, ये पढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज, मतलब कैसे कैसे और कौन सी, इन दो चीज़ों का आंसर हमें मिल जाता है कहाँ से, उस एक्सप्रेशन से जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी बेस क्वांटिटीज कितनी डायमेंशंस में प्रेजेंट हैं, ये पता चल जाता है अगर किसी फॉर्मूले से, तो उसको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम का लिखा है, ये है डायमेंशनल फार्मूला। हमें क्या पता चल रहा है कि जीरो डायमेंशन मास में है, थ्री डायमेंशन लेंथ में है, जीरो डायमेंशन टाइम में है, तो इसी तरह से तो पता चला ना हमें। तो ये क्या चीज़ है, ये पूरा का पूरा कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला अलॉन्ग विद ब्रैकेट। अच्छा डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन ये पावर्स थी, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, पूरी की पूरी चीज़ डायमेंशनल फार्मूला है। इन द सेम वे स्पीड और वेलोसिटी LT-1, LT-2 फॉर एक्सेलरेशन, ML-3 फॉर डेंसिटी, है ना, ये सभी क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। कैसे करते हैं डायमेंशनल फार्मूले को कैलकुलेट, ये भी बताया जाएगा, अभी बताएंगे। अब चलिए इसके बाद क्या है नेक्स्ट चीज, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑब्टेंड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशनल फार्मूला, मतलब इक्वल रखिए, एक तरफ आप फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, दूसरी तरफ आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, ये जो चीज़ बन गई है इसी को आप कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। वो इक्वेशन जो क्या बताती है हमें कि किसी डायमेंशनल फॉर्मूले को किसी क्वांटिटी के सामने लिखना सिखाती है, या आप कह सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, वही इक्वेशन कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन। बड़ी आसान सी चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई आगे हमारे लिए क्या चीज़ आई, आगे ये फिर से डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके दिखा रखा है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ जूम करके यहाँ पर, ठीक है ये सही रहेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, और टाइम, टाइम के लिए टी लिख देंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारा, LT-1 ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, सही है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी, आंसर आ जाएगा LT-2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन के लिए। अब चलो कोई बात नहीं, ये तो आसान सा है, हम देखिए फोर्स के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। फोर्स, फोर्स के लिए होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई हर एक का फार्मूला पता होना चाहिए आपको इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला। फॉर मास वी हैव रिटन एम, फॉर एक्सेलरेशन वी हैव रिटन LT-2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, MLT-2, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। चलो डेंसिटी का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। डेंसिटी, डेंसिटी का अगर फार्मूला लिखता हूँ मैं, इट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। मास, मास इज एम एंड वॉल्यूम, फॉर वॉल्यूम डायमेंशनल फार्मूला L3। आंसर विल बी ML-3। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरीके से कुछ बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इन योर बुक डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैनी 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 क्वान्टिटीज आर गिवेन। सो वट यू हैव टू डू टूडे इन होमवर्क, यू हैव टू डू
टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जितना भी आपकी टेबल होगी लास्ट में होगी बुक के, उन सारे डायमेंशनल फार्मूले को आपको कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, इट विल बी डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अच्छा हाँ, एक ये भी बच गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, ऑफ डायमेंशंस। दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द टुमारोज और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रॉबेबली। सो टिल देन यू कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ योर्स। ओके, सो सी यू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।